वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम बात करने वाले हैं सोरायसिस और स्कैल्प सोरायसिस के बारे में। सोरायसिस एक स्किन डिजीज है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्किन सेल्स की ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कॉमनली स्किन सेल की जो ग्रोथ होती है वो एक महीने में होती है, लेकिन जब सोरायसिस की आपको प्रॉब्लम हो तो ये जो ग्रोथ है ये रैपिड होती रहती है, लगातार स्किन सेल की ग्रोथ होती रहती है। तो ये जो रैपिड ग्रोथ होती है इसके कारण आपकी स्किन पे थिक स्केल्स बन जाते हैं और ये जो नए सेल हैं, नए स्किन सेल्स हैं, ये व्हाइट पैचेस भी क्रिएट करते हैं। नॉर्मली ये नॉन कंटेजियस डिजीज है, यानी कि ये छूत का रोग नहीं है और साधारणतया ये एल्बो से शुरू होता है, घुटनों से शुरू होता है और स्कैल्प से शुरू होता है। स्कैल्प भी हमारी स्किन ही है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे मेल आते हैं, वो कहते हैं हमें बहुत डैंड्रफ हो गई है, पपड़ियां निकल रही हैं, वो एक्चुअली स्कैल्प सोरायसिस से सफर कर रहे होते हैं। अगर आपको ऐसी डैंड्रफ हो रही है कि जब आप खुजाएं तो आप देखेंगे कि पूरी क्लियर लेयर सी निकलने लगे, तो समझिए कि वो डैंड्रफ नहीं है आपकी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम है स्कैल्प सोरायसिस की। अगर ये नाखून आपके इन्फेक्टेड हो जाए इससे, सोरायसिस से, तो नाखूनों का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब आप सोरायसिस की प्रॉब्लम हो आपको और अगर आप खुजा लें या सर पे खुजा लें या जहाँ पे भी आपको स्किन पे सोरायसिस हुआ है वहाँ खुजा लें, तो कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब इसके कारण बता दूं मैं, नॉर्मल इसका कारण जो है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, इन्फेक्शन, कोई आपको इंजरी हो गई हो, स्किन इंजरी हो गई हो उसके कारण भी ये हो जाता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री भी एक रीज़न है इसका, कि अगर आपके हेरिडिटरी भी इसको आप कह सकते हैं एक तरह से फैमिली हिस्ट्री, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपकी फैमिली में किसी को सोरायसिस हुआ है तो चूंकि आप भी उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसी स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको होने के भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिनमें, जैसे पुअर डाइट है आपकी, या इम्यून डिसऑर्डर है, या विटामिन डी की कमी है, या सनबर्न है, या जेनेटिक प्रॉब्लम है, इन सब कारणों से भी आपको सोरायसिस हो सकता है। अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब आती है इसके ट्रीटमेंट की बात। देखिए, इसका ट्रीटमेंट आप बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको जहाँ पर भी सोरायसिस की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी अगर प्रॉब्लम है, तो फ्रेश एलोवेरा का पत्ता ले लें आप और उसका अंदर का जेल निकाल लें और वो जेल आप रोज लगाएं। ये अगर आप रेगुलर लगाते रहते हैं तो धीरे धीरे ये सोरायसिस की प्रॉब्लम में आपको रिलीफ आने लगता है। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको सोरायसिस में बहुत खुजली हो रही हो, जैसे कि एल्बोस में हो जाता है अक्सर, मैंने देखा है लोगों को बहुत खुजली होती है, या सर में भी, स्कैल्प पे भी कई बार बहुत खुजली होती है, तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लें और उसको पानी में मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लें। थिन पेस्ट बनाना है, बहुत थिक पेस्ट नहीं बनाना है आपको, पेस्ट बना लें और ये जो पेस्ट है, अब जहाँ पर आपको खुजली हो रही है, अगर एल्बो में आपको खुजली हो रही है, क्योंकि सोरायसिस जनरली यहाँ से ही सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो वहाँ पर अप्लाई कर लें। अप्लाई करके उसको सूखने दें, सूखने के बाद पानी से धो लें। इससे क्या होगा कि सोरायसिस में तो आपको आराम आएगा और साथ ही साथ जो खुजली हो रही है आपको, वो खुजली में भी आपको रिलीफ आ जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लहसुन का प्रयोग जरूर करें, आप 3-4 कलियां कच्ची लहसुन की जरूर खाएं। लहसुन आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है और ये सोरायसिस का एक कारण इम्यून डिसऑर्डर भी होता है, तो जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो सोरायसिस की प्रॉब्लम में आपको रिलीफ आने लगेगा। इसी तरह से अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, जिनको सोरायसिस की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, उनको ये प्रयोग करना चाहिए, लहसुन को लेकर आपको धूप में रख देना है। उससे क्या होगा, लहसुन पीला पीला सा हो जाएगा एकदम और उसमें का ऑयल निकल आएगा। ये जो ऑयल वाला लहसुन है, जो सूखा हुआ लहसुन है, इसको पीस कर आपको एक कपड़े में बांधकर इसका जूस निकालना है। वो बेसिकली जूस नहीं निकलेगा, वो ऑयल निकलेगा। तो ये जो लहसुन का ऑयल है, इसमें आपको एलोवेरा जेल मिक्स कर लेना है और इफेक्टेड एरिया में अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अगर आपको स्कैल्प सोरायसिस की प्रॉब्लम है तो स्कैल्प पे भी आप इसको अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दें और बाद में धो लें। इससे भी सोरायसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ आने लगता है। इसके साथ आप एक बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, वो भी आप कर सकते हैं। जो आपका इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर आप नारियल का तेल लगाएं, अच्छी तरह से नारियल के तेल से आप नारियल के तेल को अप्लाई करें, हल्की हल्की मसाज कर लें। अगर आपके स्कैल्प सोरायसिस की प्रॉब्लम है तो स्कैल्प पे भी नारियल का तेल अच्छी तरह से आप लगा लें, या आपको एल्बो में, घुटने पे, जहाँ पे भी सोरायसिस की प्रॉब्लम है वहाँ पर नारियल का तेल लगाकर 2 घंटे के लिए आप छोड़ दें। 2 घंटे के बाद आपको नहा लेना है। ये प्रयोग करने से भी धीरे धीरे आपको सोरायसिस की प्रॉब्लम में रिलीफ आने लगता है। इसके साथ साथ एक और बहुत आसान और बहुत ही इफेक्टिव प्रयोग है,
उसमें आपको क्या करना है, केले का पत्ता लेना है और जो भी आपका इन्फेक्टेड एरिया है, समझिए कि अगर आपके एल्बो पे सोराइसिस है तो वहां पर आपको केले का पत्ता बांध लेना है और इसको बांध कर जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर आप इसको बांध कर रखें। आप इससे भी देखेंगे कि आपको सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ आने लगेगा। इसी तरह से अगर एवोकाडो ऑयल मिल जाए आपको, एवोकाडो ऑयल मार्केट में आजकल मिलता है, तो वो एवोकाडो ऑयल आप अप्लाई करें और अप्लाई करके 20 मिनट तक उसको रहने दें और बाद में धो लें, इससे भी सोराइसिस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब ये तो मैंने आपको बताई लगाने की चीज़ें, जो अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है या स्कैल्प सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो आपको क्या लगाना है, लेकिन आप ओरली आपको क्या लेना है, क्या खाना है ताकि आप सोराइसिस और स्कैल्प सोराइसिस से बच सकें, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ है। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।